हेलो फ्रेंड्स, किचन मिल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे पनीर दो प्याजा की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये सब्जी मैं 250 ग्राम पनीर से बना रही हूँ। आप किसी भी शेप में पनीर को काट सकते हैं, मैंने इस तरह से काटा है। पनीर दो प्याजा में दो तरह से प्याज डलती हैं। इसमें मैंने एक प्याज के चार पीस कर लिए हैं इस तरह से, और नॉर्मल साइज की प्याज ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं ली है। ये पांच प्याज हैं, चार प्याज के मैंने स्लाइस कर लिए हैं, या फिर आप मोटे मोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, रफली चॉप कर सकते हैं। तो दो तरह से इसकी प्याज तैयार करनी है। सबसे पहले हम एक पैन रखेंगे, इसमें ऑयल डालना है। इस ऑयल में हम पनीर को थोड़ा फ्राई करेंगे, और ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है, थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक पनीर रखेंगे। जितने पीस आपके बर्तन में है उतने ही पीस रखने हैं। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे, उसको पलटते जाएंगे। इसको ध्यान से पलटना है, पनीर टूटना नहीं चाहिए, और गैस की फ्लेम भी मीडियम ही रहनी चाहिए। लो फ्लेम पर तेल ठंडा हो जाएगा, फिर पनीर चिपकने लगेगा। इसी तरह से हमें दोनों तरफ से सेकना है। अब देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से सेक गया है पनीर। सारा पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। फ्राई करने के बाद भी सॉफ्ट रहना चाहिए, इसलिए मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया है। लो फ्लेम पर ये टाइट हो जाता है पनीर। इसको हम एक साइड में रख देंगे। इसके हमने चार टुकड़े किए थे, उसको भी इसमें फ्राई करेंगे। इसको भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही करना है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, और इनको भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इनको भी एक साइड में रख देंगे। अब जो ऑयल बचा है हम इसको भी काम में लेंगे, वापस गैस ऑन करेंगे। ये देखिए, करीब 3 चम्मच ऑयल है, 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 1 लौंग, 6 से 7 काली मिर्ची, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, और जो प्याज हमने स्लाइस की थी उसको डाल देंगे। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है, डार्क ब्राउन होने तक। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 8 से 10 कली लहसुन की। 1 से 2 मिनट तक इनको भी सौते करना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इनको रफली चॉप किया हुआ है। इनको भी सॉफ्ट होने तक पकाना है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक से दो मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पकाना है। प्याज टमाटर अच्छे से पक गए हैं, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमें इसको पीसना है, इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें से हम तेज पत्ता, बड़ी इलायची, ये दालचीनी का टुकड़ा, इसको हम निकाल देंगे। इनको हमें नहीं पीसना है। पेस्ट बनकर तैयार है, इसको एक साइड में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे गैस पर, 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होने पर 1 साबुत लाल मिर्ची,
आधा चम्मच जीरा जो पेस्ट बनाया था इसको डाल देंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, 1 से 2 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, दो मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब फ्राइड अनियन को भी डाल देंगे। आधा चम्मच हम कसूरी मेथी डालेंगे, इसको हल्का सा क्रश करेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको और पकाना है ढककर, गैस की फ्लेम लो रखेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा पनीर दो प्याज़ा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। आप देखिए इसका कलर भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही आया है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे,